स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग. इसका क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे. व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ वाटर एट फर्स्ट 108 डिग्री सेल्सियस, सेकंड 275 केल्विन, थर्ड 370 केल्विन. सो आंसर इज एट 108 डिग्री सेल्सियस वाटर इज इन गैसियस स्टेट. Second, at 275 Kelvin, water is in liquid state. Third, at 370 Kelvin, water is in liquid state. इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ. 100 degree Celsius पानी का boiling point है. 108 degree Celsius पर पानी gas के रूप में होता है, यानी कि steam के रूप में होता है. अब है 275 केल्विन, यानी 2 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड स्टेट पर होता है. थर्ड है 370 केल्विन, यानी 97 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड स्टेट में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, गिव रीजंस. आंसर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 degree Celsius. Water is in liquid form in the temperature range of 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Room temperature is always more than 0 degree Celsius and less than 100 degree Celsius. Room temperature is generally taken as 25 degree Celsius. At this temperature, water is in liquid form. पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के रेंज में पानी लिक्विड फॉर्म में होता है. रूम टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है और 100 डिग्री सेल्सियस से कम. आमतौर पर रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है. इस टेम्परेचर पर पानी लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज हीटिंग ऑफ शुगर डिफरेंट फ्रॉम हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड. आंसर, व्हेन वी हीट द शुगर इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड. अमोनियम क्लोराइड अपीयर्स टू सबलाइम अपॉन हीटिंग बट एक्चुअली डिकम्पोजेस इनटू अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. अगर हम शुगर को हीट करते हैं तो ये मेल्ट होकर लिक्विड बन जाती है. अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके वेपर्स बन गए हैं, पर असल में ये डिकम्पोज होकर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाता है. नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, इफ वी ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू टू बीकर्स ए एंड बी कंटेनिंग कोल्ड एंड हॉट वाटर रिस्पेक्टिवली, इन विच बीकर दिस सॉल्यूशन विल बी फास्टर एंड व्हाई. आंसर, दिस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन बीकर बी will be faster because the particles of copper sulfate and water will intermix faster at the higher temperature. जिस बीकर में पानी गर्म होगा उसमें कॉपर सल्फेट जल्दी घुल जाता है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट और वाटर के पार्टिकल तेजी से इंटरमिक्स हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, A drop of ink and honey are added to water contained in different beakers. Which of the two will spread faster and why? Answer, ink drop will spread faster in water as compared to honey because honey is more viscous. It is a thick liquid and does not flow easily. The interparticle force of attraction in honey is stronger than those in ink. The particles of honey diffuse very slowly. थोड़ा इसको समझ लेते हैं. शहद के कंपैरिजन में इंक के ड्रॉप्स पानी में जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि हनी एक थिक लिक्विड है. हनी के पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है और हनी के पार्टिकल्स पानी में बहुत ही धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, गिव रीजंस. आंसर, स्पॉन्ज हैज टाइनी होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड. व्हेन वी
gets compressed. स्पॉन्ज के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप होती है. जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो होल्स में ट्रैप हुई एयर बाहर निकल जाती है और स्पॉन्ज एक सॉलिड होते हुए भी कंप्रेस हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर व्हेन कैप्ट इन जार ऑफ डिफरेंट शेप्स अडॉप्ट्स द शेप ऑफ द जार येट वी कॉल इट सॉलिड. आंसर, sugar contains small tiny particles. When we keep the sugar in jar, the shape of the tiny particles of sugar remains unchanged. Sugar as a whole adopts the shape of the jar. किचन में हम आमतौर पर चीनी को यूज करते हैं. चीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होती है. हम चीनी को जैसे बर्तन में डालते हैं चीनी उसी की शेप ले लेती है, लेकिन शुगर के टाइनी पार्टिकल्स की शेप चेंज नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश गॉट एन इनविटेशन टू अटेंड अ पार्टी. ऑन कमिंग टू होम ही फाउंड दैट बोथ शर्ट एंड पैंट्स वर वेट. व्हाट स्टेप्स ही शुड take to dry them quickly. Answer, the wet clothes can be dried in a number of ways. Number one, by spreading the clothes in air under sun so that the water may evaporate. Second, by spreading the clothes under a fan in a room. Then third, by ironing the cloth. इसको समझते हैं, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए हम उन्हें धूप में रख सकते हैं या कपड़ों को आयरन कर सकते हैं या कमरे में गीले कपड़ों को स्प्रेड करके फैन ऑन कर सकते हैं जिससे गीले कपड़ों का पानी इवेपोरेट हो जाएगा. अभी आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए. If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.